डेकोरेशन विद नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और नेचर के साथ बहुत बहुत हैप्पी होंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और नेचर के साथ मस्त रहने के लिए। आज हम स्मॉल स्पेस में गार्डन का आइडिया लेंगे कि जिसके पास थोड़ा सा भी स्पेस है वो अपना बैकयार्ड हो या फ्रंट में हो तो अपना छोटा सा ग्रास गार्डन कैसे बना सकता है। ये मेरा 6x12 फिट में है ओनली, और इसमें भी मेरे ख्याल से 50-60 टाइप्स के प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं इसमें भी मैंने इतने छोटे से गार्डन में। ये देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे ये आगे हमारे क्रोटन्स, ये यहाँ पे थोड़ा सा शेडी रहता है, सूरज की धूप कम आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 3-4 तरह के क्रोटन्स हैं। ये देखिए, ये अलग वैरायटी है। ये देखिए ये, और ये जैसे मैं बीज की डाल देती हूँ, नीचे खाद है, खाद लीव्स वगैरह दबाए हुए हैं, उसके ऊपर ये मैंने ये गेंदे के, देसी गेंदा है, इसके बीज डाल दिए थे और वो ग्रो कर गए हैं। देख कितने सुंदर लग रहे हैं, गर्मी में भी पूरा फ्लॉरिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब जैसे ये टिकोमा का ये है पेड़, देखिए टिकोमा के पेड़ पे भी ये अभी तक भी कितनी अच्छी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और साथ में इसके ये हमने ये चंपा का पेड़ भी लगा दिया है। देखिए चंपा के पेड़ पे भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये मिक्स एंड मैच करके, ये कोई इतना हार्ड रूल नहीं है, आप बस थोड़ा स्पेस चाहिए। जैसे ये देखिए, जैसे एक प्लांट ये है, उसके बाद ये फ्लावर आ गए, ये देसी गेंदी लगा दिए, ऊपर देसी रोज आ गया है, और इधर देखिए ये ट्री के साथ मैंने वाइन चढ़ा दी है। देखिए ये, हाँ ये देखिए, और इधर जैसे हर एक प्लांट का अलग अलग स्पेस है, थोड़ा थोड़ा गैप रख के आप मिक्स एंड मैच। ये देखिए आगे की तरफ, जहाँ थोड़ा बहुत भी सूरज की किरणें आती हैं वहाँ पे डेजी वगैरह फ्लावर वगैरह ये लगा सकते हैं। अब इसकी जैसे बाउंड्री करने के लिए मैंने यहाँ पे ये देसी मिनी चांदनी बोलते हैं इसको, मैंने ये लगा रखी है। देखिए इसमें भी अभी बारिश के कारण थोड़ी फ्लावरिंग कम है, नहीं तो अभी ये शुरू हो गई है इसकी फ्लावरिंग। मुझे फ्लावर्स का भी बहुत शौक है। ये देखिए जैसे ये बुगनवेल पे आ गया, अभी ये प्राइड ऑफ इंडिया है, इसको सावनी भी बोलते हैं। अब ये सर्दी में थोड़ा पत्ते इसके गिरा देता है, अभी इसमें पिंक कलर के भर भर के फ्लावर आएंगे, आने वाली वीडियोज़ में मेरे देख लेना वो भी। अब ये गुलाब पे भी भर भर के फूल आ रहे थे, अभी थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा कम हुआ है। ये देखिए बुगनवेल में भी काफ़ी इतने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हुए हैं, और यहाँ पे हिबिस्कस है, ये भी हर रोज़ 2-4 फ्लावर मतलब आ ही रहे हैं इसकी। ये देखिए ये करके, और इधर मैंने ये अपना, ये तो सदाबहार एवरग्रीन है ही, इसको मैंने थोड़ा नीचे से करके, ये देखो कितना सुंदर कितना बड़ा हो गया है, ये भी धीरे धीरे ऊपर तक चला जाएगा। ये देखिए आप, इसमें भी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। अब ये देखिए यहाँ पे आप ये फाउंटेन फार्म लगा सकते हैं, फाउंटेन प्लांट बोलते हैं इसको, और यहाँ पे यही है मिनी चांदनी हो रही है। ये देखिए ये बाउंड्री बना दी है हमने, ठीक है। ओनली ये 6x12 का स्पेस है, मुझे जहाँ भी फूलों के मुझे लगता है थोड़ी स्पेस है सन, और ये देखिए कितने सुंदर ये देखिए इसको, मोस्टली ये रात को ही खिलते हैं फ्लावर्स। और यहाँ पे मैंने ये मोर पंख लगाया हुआ, अभी कटिंग करी है इसकी, और ये देखिए यहाँ पे कोई इसमें ये सारे मिक्स एंड मैच फ्लावर और ये लगाए हुए हैं। 6x12 फिट में ये एक छोटा सा मिनी गार्डन आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे लगा दिया, ये यहाँ पे जैसे कि मैं डेकोरेट करती रहती हूँ। ये हमारा रिहो का प्लांट है, ये मैंने अभी फाइकस की वो लगाई हुई है टहनियाँ, अभी धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगी। ये देखिए जैसे कि मैंने बताया था, मैं अपने सारे लीव्स भी जैसे किसी भी एक कॉर्नर बना लिया। देखिए ये अब मैं इस कॉर्नर में लगी हुई, यहाँ पे अब थोड़े से दिन में मिट्टी डाल के इसको अपने आप ये कंपोस्ट बन जाएगी, हमारी खाद बन जाएगी। जैसे अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया था, इसके नीचे दबा रखी है। ये देखिए ये मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी दिखाया था। ये देखिए ये अभी ग्रो कर गए हैं। ये देखिए ये गेंदे के छोटे छोटे ये
बीज ग्रो कर चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे। और ये वही मेरा फाइकस का ये है प्लांट, और ये हमारे उग चुके हैं। देखिए कितनी प्लांट्स की मिक्सिंग कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए, ये जैसे वो देसी पटोनिया अपने आप हो गई थी, ये देखिए जैसे देसी पटोनिया अपने आप हो गई थी मिक्स एंड मैच। और ये बालसम के बीज भी अपने आप उग जाते हैं हर साल, ये देखिए अपने आप उगे हुए हैं। और ये मैंने रात की रानी की टहनी लगा दी है, किसी को देखो ज़रूरत होती है तो मैं ऐसे ही मतलब देती रहती हूँ। ये आने वाले उसके लिए मैंने गुलदाउदी की ये कटिंग्स बचा रखी हैं। ये देखिए लिली है, ये अभी इस पर फ्लावरिंग हो रही थी, अब इसका आने वाले ये फैब में ज़्यादा करते हैं, फ्लावर्स फैब में आते हैं इसके ज़्यादा। ये देखिए जो जो भी प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं इसमें, आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिटेल देती रहूँगी। ये देखिए ये कितना सुंदर, अंदर रूम की विंडो से ग्रीन ग्रीन कितना सुंदर नज़ारा लगता है। ये देखिए ये मैं ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ, ओनली ये 6x12 फिट का है। कितने सुंदर पेड़ लग रहे हैं, कितनी ऑक्सीजन देते हैं और ठंडी ठंडी हवा देते रहते हैं। सुबह यहाँ बैठ के आराम से नाश्ता करो, चाय पियो, कितना अच्छा लगता है। जिनके पास बैकयार्ड में भी थोड़ा सा भी स्पेस हो, वो भी कितना सुंदर अपना गार्डन मेंटेन कर सकते हैं। और कितने कोई इसमें मोस्टली प्लांट मैंने टहनी लगा के ही लगाए हुए हैं, ये जैसे बुगनवेल है, ये टिकोमा है, और ये हिबिस्कस है, देसी रोज है, और ये गेंदे, और ये अभी दिखाऊंगी मोस्टली ये मेरी ये मिनी चांदनी है कि मदर प्लांट से मैंने रेनी सीजन में ग्रो की हुई है। आने वाले वीडियोस में मैं ये दिखाऊंगी। होप है आपको मेरी वीडियोस या ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेचर के साथ मस्त रहें।